हेलो जी, राम राम जी। मेरा यूट्यूब चैनल पर नया वीडियो में था कुछ, सबको स्वागत है। आज देखो या ना, लेरिया वाली न्यू प्रिंट ले रही छूँ। दो कलर में ले रही छू, या चोइस कलर को लहंगो बनाऊंगा और अलग तरीका की डिजाइन बना वो बताऊंगी। था नहीं मैं भाई कैसी डिजाइन बनाऊंगी मैं। तुम्हारा वीडियो ने पूरा देख जो, और जो भी मेरा चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब कर जियो। तो देखो या वाला कपड़ों कड़ा का ले ली थी 4 मीटर, और पट्टा का ले ली चू 1.5 मीटर, और भी डिजाइन के लिए 1 मीटर लीजिए जिम सू बच जाओगे। आधा मीटर से ज़्यादा की पट्टी लाग जाओले अपनों की। तो यहाँ उन्हीं को कपड़ों लीजिए, या कॉटन से, या दो कलर में छे। तो आप पहली कड़ा की कटिंग बताऊँगी मैं थाना। तो यह देखो 4 पैना में छे कड़ा की। अभी ना आप एक लड़ा फोल्ड कर ले ला, यहाँ उन्हीं का 4 पैना है घड़ी का हल लेंगा, और फिर इन्हें 3 लड़ा फोल्ड कर ला ये तरीका सु। तब 24 कड़िया की कटिंग हो जाओ ले अपना। तो देखो ये बिछा ली यहाँ उन्हीं का मैं। अभी की लंबाई बताऊँ जो थान कत्ती है, ये लंबाई है अपना 38 इंच आ रही है लंबाई, 40 इंच करा ला लहंगा की। तो 2 इंच को अपना पट्टो रे जाओ लो, और यह आप कमर पर निशान लगाओ 2.5 इंच को, 40 करा ला कमरी की। तो यह 2.5 इंच पे उंडी की तरह साइड भी लगा ली निशान, और यह तिरचौड़ इंच टेप की सुइया लाइन खींच देंगे तो कटिंग सही हो जाओ ले आप कड़ा की। तो देखो यहाँ उन्हीं का कटिंग कर ले ला आप कड़ा की तरीका सु, और ये सारे ने अलग भी कर लिया। तो आप कड़ा की कटिंग होगी पूरी। अब थान पट्टा की कटिंग बताऊं जू, तो 5 नेफा की करा ला पहले, वो 5 इंच चौड़ाई ची की, और लंबाई 40 इंच है ही। ज़्यादा रोलो तो फोल्ड कर ले ला मसू। तो नेफो कट गो, अब तिरछो वालो पट्टो कटिंग करा ला पा। तो ई तरीका से बिछा ले ला इन्हें आपा। तो देखो यहाँ बिछा ली। अब ये मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही चूँ, ये तरीका से निशान लगा लेंगे या पूरी पट्टी पे, और निशान लगाया पाचे कटिंग कर ले लेगी। और वो कटिंग कर लिया, अभी को ऊपर रख रख पूरा पट्टा की कटिंग कर ली है, रख रख रहे निशान एक बारी लगाई थी मैं। तो ये कटिंग पूरा पट्टा की कटिंग हो गया अपनी, और यह कपड़ों लिया था वो अपा पट्टी के लिए। तो देखो यहाँ बिछा ली, अभी हम बीच में से भी कटिंग कर लेला। 3 इंच चौड़ी जा अपनी पट्टी, या तो ज़्यादा आ रही है फिर 3 इंच चौड़ी कर देंगे चौड़ाई में ना। और लंबाई 6 मीटर आवेली भी मैं अपना 6 मीटर घेरा लो लहंगा में 24 कलिया का मैं। तो 3 इंच चौड़ी पट्टी लगाई चुकी मैं लहंगा में, बीच में से कटिंग कर लेला फिर 3 इंच की नाप लगा रहा। अभी यहाँ उनको फोल्ड कर कटिंग कर लेना। तो अपना लहंगा कटिंग होगी पूरी। अब सिलाई बताऊँ था, तो पहले आप कड़िया की सिलाई कर लेना, पूरी कड़िया में सिलाई कर लेना एक बार। ये तरीका सारी कड़िया की सिलाई कर लेना। और ये साइड में फोल्ड कर लेना कड़ी ने। दोनों तरफ से अब नेफा ने फोल्ड कर लेला दोनों तरफ से। तो नेफो तैयार हो गो। अब यह कड़िया जोड़िया जा जिन नेफा को ऊपर रखकर सिलाई कर लेला, नेफा ने जोड़ देला एक, और यह फोल्ड कर लेला अब नेफा ने, बाद में लेस भी लगाऊ लाई का। तो देखो यह पट्टो तैयार कर ला अब आपा, बतीचे वालो पट्टो है नीचे पट्टो लगाऊ लो वो वालो। तो पट्टो तैयार जोड़ लिया, अब लहंगा का यहाँ फोल्ड कर, लहंगा को ऊपर रख और सिलाई कर ले ला पा ये तरीका सु। तो ये तरीका सु ये सिलाई कर ले ला पूरी पे। अब वो पट्टिया जोड़ लिया पा, देखो ये पट्टी ही वो। तो इन्हें ही पट्टा को ऊपर रख और ये मसू फोल्ड कर ले, साथ में लगा रही चु मैं, और साथ में फोल्ड कर रही चु इन्हें।
पहले कौन सिलाई करी साथ में कर रही चुया, तो ई तरीका सु लेस भी लगा ले ला पूरा पे और डिजाइन भी अच्छी बना लिया अपन लहंगा में। अब दूसरी साइड भी यही कर ले ला, नहीं पहली तो फोल्ड कर ले ला फिर लेस रखकर सिलाई कर दे ला पे पूरा पट्टा पे यही लगानी चाहिए ना ये डिजाइन में। ये तरीका सो तो आप पूरी तैयार हो जाओ फिर डिजाइन। अब नेफा पर लगा लिया जा लेस या समोसा वाली तो लाग गई। अब साइड वाली कलीन सिलाई कर ले तो आप लहंगो पूरा तैयार हो जाओ लो फिर। तो देखो पूरा तैयार होगा अपनो लहंगो यहाँ को बन रही तैयारी हो जाए थे। इन लहंगा को ऑर्डर भी दे सको जो बहुत सुंदर लहंगो है और समझ में ना आओ तो कमेंट कर।